Welcome, dear students. Welcome to our SSP video lecture series. And today we are going to understand about the basic transportation engineering. And from the last lecture, we are studying introduction. So, last lecture में हम लोगों ने modes of transportation and importance of transportation के बारे में discussion किया हुआ था. So today we are going to discuss about the roads, right? Which type of roads are in there, right, in our country, and what are the classification of the roads are. Okay, so let's start with the Indian roads. This is the brief about the Indian roads. मतलब कि यहाँ पे आपको outlines दिया हुआ है कि हमारा जो इंडिया का roadway है वो कितने kilometers में ढका हुआ है, ठीक है. So, India has a large road network of over 3.314 million kilometers of roadways in the sense of 2.1 million miles. Kilometer ko miles mein convert kar diya yahan pe, making it third largest road network in the world. Pure duniya mein hamara teesre number pe aata hai as a road network ko dhyan mein rakhke agar hum usko compare kare to. At 0.66 kilometer of highway per square kilometer of land, the density of Indian highway network is higher than that of the United States and far higher than the China's or Brazil's. मतलब कि पूरे जो हमारा इंडिया का लैंड वे है, ठीक है, उसके किलोमीटर्स 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमने 0.66 किलोमीटर तो हाईवे ही रख दिया है. पूरे इंडिया की बात करें जो यूनाइटेड स्टेट चाइना और ब्राज़ील का जो वॉल्यूम डेंसिटी है उससे कहीं ज़्यादा है. कहीं ज़्यादा मतलब कि यूएसए से तो हम लोग प्लस माइनस 0.1 ही है, बट चाइना और ब्राज़ील से तो ऑब्वियसली हमारा जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है. नाउ बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की, किस किस टाइप के रोड्स अवेलेबल है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल जैसा बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग जो आधार है उसके ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है. तो सबसे पहला है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो वेदर कंडीशन है उसको ध्यान में रख के. मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा रोड मटेरियल है वो बिट्यूमिन या फिर एसफाल्ट का जो मटेरियल होगा वो हर एक जगह पे एक ही जैसा रहेगा, हर एक जगह पे सूटेबल रहेगा, ठीक है. जो क्लाइमेट कंडीशन है हमारे यहाँ पे, तापमान जो है ठंडी है जो है, बारिश की सीज़न है, ठीक है, उस सब को ध्यान में रख के हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है. तो उसके हिसाब से हमारा जो क्लासिफिकेशन बना है डिपेंडिंग ऑन वेदर, फर्स्ट है ऑल वेदर रोड्स एंड दूसरा है फेयर वेदर रोड्स. एक तो हमारा ऐसे रोड होते हैं जो हर एक वेदर कंडीशन में हम लोग सूटेबल उसको कह सकते हैं, एंड दूसरा है फेयर वेदर रोड्स, मतलब जो वेदर कंडीशन अच्छी हो, एक्सट्रीम ना हो, तभी वो रोड हमें यूजफुल हो सकते हैं. उसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है वेदर कंडीशन के अंदर वो है डिपेंडिंग द टाइप ऑफ कैरिएज वे. व्हाट डू यू मीन बाय द कैरिएज वे? कैरिएज वे मतलब कि जो पाथ है हमारा जिसके ऊपर हमारा व्हीकल या फिर इटसेल्फ हम लोग मूव करने वाले हैं, उस पूरे पाथ को, एरिया को हम लोग कैरिएज वे से डिनोट करते हैं. मतलब आप जो रोड देखते हो ना फील्ड पे, आजू बाजू आपने देखा होगा कि फुटपाथ होता है, बीच का जो ग्रे कलर का पार्ट होता है जहाँ पे बिट्यूमिन का लेयर जो होता है, उस पूरे ही एरिया को हम लोग कैरिज वे कहते हैं जिसके ऊपर व्हीकल्स और हम लोग मूव करते हैं, क्लियर. तो उसके दो टाइप होते हैं यहाँ पे, फर्स्ट तो है पेव रोड्स एंड दूसरे है अनपेव रोड्स, राइट. अब पेव रोड्स में कौन सा टाइप आएंगे? तो WBM, और जो अनपेव रोड्स है उसमें अर्थ रोड और ग्रेवल रोड्स आएंगे. पेव्ड मतलब कि परफेक्टली उसके ऊपर स्मूथ होगा पूरा रोड, अपना बिट्यूमिन है, RCC रोड भी पेव रोड्स कह सकते हैं हम उसको. अनपेव्ड मतलब कि उसमें पेमेंट अच्छे से है नहीं, उसमें आपको गड्ढे वड्ढे भी दिखने के लिए मिल जाएंगे. तो ऐसा रोड कौन से? जो अर्थ रोड होते हैं, ग्रेवल्स रोड, जो गांव में आप लोग देखते हो अर्थ का या फिर तो ग्रेवल्स वगैरह डाल के उन्होंने एक रोड जैसा रास्ता बना दिया होता है. तो गाँव जो बहुत पुराने गाँव है उसमें आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाएंगे. और जो पेव रोड्स है वो थोड़े स्मूथ होते हैं, उसमें आपको यहाँ पे लिखा है WBM. WBM इज जस्ट वन एग्जाम्पल, उसका फुल फॉर्म है वाटर बाउंड मेकेडम, क्लियर, वाटर बाउंड मेकेडम.
वाटर बॉर्न मैकेडम ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग रोड को पानी और ब्रिक और क्ले वगैरह का मटेरियल से मिक्सचर करके हम उसको स्मूथ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं रोड को, रोड की। क्लियर? दो टाइप हो गए, पेव्ड अनपेव्ड। अब तीसरा जो है यहाँ पे सेक्शन, उसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट सरफेस, पेमेंट की जो सरफेस होती है उसके आधारित उसका क्लासिफिकेशन होता है हाईवेज का। तो पहला है सरफेस रोड एंड दूसरा है अनसरफेस रोड। सरफेस रोड मतलब बिट्यूमिनस और कॉन्क्रीट रोड। सरफेस रोड मतलब कि उसके ऊपर प्रॉपर हार्ड सरफेस हमें मिलती है, लेवल सरफेस मिलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग सरफेस्ड रोड कहेंगे। एंड अनसरफेस रोड जहाँ पे हमें स्मूथ और एकदम हार्ड लेयर उसको नहीं मिलता रोड का, तो उसको हम अनसरफेस रोड कहेंगे। नाउ चौथा जो बॉक्स है उसमें लिखा है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कि वो एक रोड के ऊपर से कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है, पर किलोमीटर या फिर जो भी हमने डिस्टेंस मेजर किया होता है 100 मीटर की जो भी, उसमें से एक मिनट में कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम। उसकी बहुत अलग अलग मेथड है जो आप लोग आगे शायद पढ़ोगे, क्लियर, ट्रैफिक वॉल्यूम की इंजीनियरिंग का बी जब बैचलर डिग्री करोगे उसमें। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल व्हीकल या फिर बहुत ही कम वॉल्यूम हो और आप एकदम बड़ा सा रोड बना दो, क्लियर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई छोटे से रोड है वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ही हो। दोनों का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव। आप लोग यहाँ पे ही रहते हो अहमदाबाद और गांधीनगर रीजियन में, तो गांधीनगर में आपको पता है कि रोड की जो विड्थ है, कैरियज वे की विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2 लेन्स, 4 लेन, 4 लेन बना के रखे हैं रोड तो उन्होंने। पर यहाँ के पॉपुलेशन कम है तो ट्रैफिक होने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं, राइट। जबकि आप अहमदाबाद की बात करो, अहमदाबाद का मैं अभी इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो ऐसे केस में सब रोड की जो कैरेज वे की भीड़ है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो आपको पता है कि कितना ट्रैफिक वहाँ पे होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें रोड की भीड़ रखनी पड़ती है ट्रैफिक को ध्यान में रख के। आप अभी ये सोच सकते हो कि ये जो मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर रोड ओपन हो जाएंगे तो कितना आपको इज रहेगा ट्रांसपोर्टेशन करने के अंदर, क्लियर। तो उसके आधार पे हमारे यहाँ पे तीन टाइप हैवी, मीडियम एंड लाइट वॉल्यूम। नाउ बेस्ड ऑन द लोड और टनेज, उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है और कितना टनेज वॉल्यूम का लोड आने वाला है, उसके ऊपर भी हमारा जो कैरेज वे का क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन होता है वो रेस्ट करता है। तो लोड के आधार पे है यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2, और क्लास A और B भी उसको कह सकते हैं टर्न्स पर डे की बात करें तो, ठीक है। जैसे जितना जितना ज़्यादा उतना क्लास 1 जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, उसके बाद लो क्वालिटी पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा वो डिपेंड करता है उसके रोड के ऊपर जो वजन आने वाला है, एक्सियल लोड जो आने वाला है उसके ऊपर। देन लास्ट कॉलम है यहाँ पे हमारा बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड द फंक्शन। लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पे हम बात करें तो एक्सप्रेस वे है, प्राइमरी जो वेज हो गए, सेकेंडरी और टर्शियरी वेज हो गए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो प्राइमरी के टाइप है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो हमारा सेकेंडरी का टाइप है, एंड टर्शियरी में है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो इस तरीके से हमने लोकेशन और फंक्शन के आधार पे उसको उसके नाम डिवाइड कर दिए हैं। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन के आधार पे, हम उसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके GTU के एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ आपकी जो गेट या फिर तो UPSC GPSC की जो भी आप तैयारी करने वाले हो फ्यूचर में, उसके अंदर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे हम किसको कहेंगे, आपको यहाँ पे फिगर में दिखा गया है एक्सप्रेस वे, ठीक है, उसको हाफ पॉइंट जो एग्जांपल है आपका जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। और हमारी बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे है बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, जो नेशनल हाईवे 1 हम लोग उसको कहते हैं NH1, वो हमें पता है नेशनल एक्सप्रेस वे 1 NE1, राइट। तो आप लोग काफ़ी बार गए होंगे शायद अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि उसके जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं नेशनल हाई एक्सप्रेस वे के। एक्सप्रेस वे में पहले तो आप लोग एकदम फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है, व्हील्स अच्छी होती है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और हाई स्पीड में जाने वाला ट्रैफिक होता है वो, ठीक है, बीच में आप कहीं पे भी रेस्ट नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो तो बीच में आप लोगों को डायरेक्ट रिलायंस पे स्टॉप मिलता है, ठीक है, बाकी तो आपको स्ट्रेट जाते ही रहना पड़ेगा, बीच में आप गाड़ी रोक नहीं सकते हो, क्लियर।
तो यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन दिए द हैवी ट्रैफिक एट हाई स्पीड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बट उसकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है जो ट्रैफिक की है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वहाँ पे आप ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। जो लैंड विड्थ होती है वो भी ज़्यादा होती है काफ़ी, 90 मीटर जितनी लैंड विड्थ हम रखते हैं एक्सप्रेस वे की, फुल एक्सेस कंट्रोल होता है जो हमारा एक्सप्रेस वे होता है वो, हम पूरे एरिया में आप जा सकते हो, 3 लेन होता है, राइट से आप लोग उसको ओवरटेक कर सकते हो व्हीकल को, लेफ्ट साइड से नहीं करना चाहिए, ये सब उसके पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। देन कनेक्ट्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेशन, ठीक है, इट विल बी कनेक्ट, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं ट्रैफिक जनरेशन के उसको कनेक्ट करेगा। देन नाउ स्लो मूविंग ट्रैफिक अलोस, नो स्लो मूविंग ट्रैफिक अलोड, मतलब कि धीरे धीरे जाने वाली जो गाड़ियाँ होती है वो वहाँ पर अलाउ नहीं करते वो लोग, जो स्पीड उन्होंने निर्धारित की होती है उसी स्पीड पे हमें हमारी गाड़ी चलानी पड़ती है। साथ साथ में आपने देखा होगा जो नेशनल एक्सप्रेस वे होता है उसके ऊपर आपको टू जो व्हीलर होती है बाइक्स वगैरह या फिर 3 व्हीलर्स होती है उसकी परमिशन नहीं है आपको, सिर्फ 4 व्हीलर उससे ज़्यादा की जो भी व्हीकल है उसी की परमिशन आपको वहाँ पर दी गई है। देन दूसरा है नो लोडिंग अनलोडिंग एंड पार्किंग, ठीक है, आप नेक्स्ट ऑब्वियसली वहाँ पे कोई स्टॉपेज दिया नहीं है, आप बीच में रुक नहीं सकते, तो उसका मतलब क्या हो कि आप उसके ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं कर सकते और ना ही कहीं पे आप उसको गाड़ी को पार्क कर सकते हो। ठीक है, आपने साइड में पार्क किया और किसी ने गलती से ओवरटेक करने का और हाई स्पीड में होगा तो बैलेंस नहीं कर पाएगा और आपसे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको कभी भी पार्क नहीं करनी है, अगर गाड़ी पार्क करनी है तो उसके लिए स्पेशल जोन दिया हो तभी वहाँ पर जाके पार्क करना, वरना आपको सीधे सीधे चलते ही रहना चाहिए। देन दूसरे हैं हमारे नेशनल हाईवेज NH, वो था नेशनल एक्सप्रेस वे, ये है नेशनल हाईवेज। यहाँ पे आपको देख सकते हो फर्स्ट जो नेशनल हाईवे यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट रखा है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ऐसे 4 सिटी को कनेक्ट करेंगे मोटी मोटी और उसको हमने नेशनल हाईवे नाम दे दिया है। तो जैसे कि द इंडियन नेशनल हाईवे हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 70,548 किलोमीटर्स, 70,548 किलोमीटर का जो उसकी लेंथ हुए है वो है हमारे नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कवर 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क एंड कैरी 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। जो नेशनल हाईवे है पूरे जो हमारा इंडिया है उसके 2% जितना वो कवर कर लेता है इंडिया का, राइट, एंड 40% जितना उसके ऊपर से ट्रैफिक डेली के टाइम में मूव करता है, क्लियर, जो जितना ट्रैफिक है पूरे इंडिया में उसका 40% ट्रैफिक ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे मूव करेगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो बीच का एरिया है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं, वो क्या है, सो NH प्रोजेक्ट कनेक्ट्स ऑल 4 मेजर सिटीज, जो मेन मेन 4 सिटी है उसको कनेक्ट कर रही है नेशनल हाईवे, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई विथ अ टोटल नेटवर्क ऑफ 5,848 किलोमीटर्स कंप्लीटेड है इतने, और आगे बढ़ते जा रहेंगे वो किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं अभी भी। ओके, मेन 4 सिटी को उसने कनेक्ट किया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को, और बीच बीच में आपको देखेंगे स्टॉप भी मिलेंगे, गुजरात में अहमदाबाद को भी नेशनल हाईवे का स्टॉप दिया हुआ है, यहाँ पे आप आनंद वानंद जाते हो अहमदाबाद से तो आपको मिल जाएगा वो नेशनल हाईवे 7 ऐसा लिखा हुआ। नाउ दूसरे रोड्स, अदर रोड्स की बात करें हम लोग, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ये सब की बात करें तो दूसरे रोड्स में आते हैं स्टेट हाईवेज, जो नेशनल हाईवे हमने देखे वैसे स्टेट हाईवेज। जो नेशनल हाईवे होते हैं वो मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, मेन मेन सिटीज को कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवे है हम उसको धीरे आगे देखेंगे, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड लास्ट में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेट हाईवे की बात करें तो दे आर द आरसीएल रोड ऑफ अ स्टेट, आर्टरियल रोड ऑफ स्टेट कनेक्टिंग अप टू द नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज विद द स्टेट। जो सिटीज होती है उसको कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे थ्रू, ठीक है, जो नेशनल हाईवे जो दो सिटीज को कनेक्ट करती है मेन मेन स्टेट के अंदर, ये क्या करती है, सिटीज और नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगी स्टेट हाईवे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है स्टेट हाईवे की इन कंट्री 1,37,119 किलोमीटर्स, ओके, जो नेशनल हाईवे है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, यहाँ पे
37,119 किलोमीटर। नाउ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में MDR लिखा है, तो इम्पोर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट कनेक्टिंग दोज विद ईच अदर और विद द मेजर हाईवेज। मतलब कि पहले क्या था, नेशनल हाईवे था जो मेन सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, फिर आया स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे क्या करता है, सिटीज़ को नेशनल हाईवे तक कनेक्ट करता है, और अब आ रहा है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको कनेक्ट करता है, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट को की सिटी को डायरेक्टली स्टेट हाईवे पर कनेक्ट करता है। क्लियर, जो मेजर हाईवे होता है उससे कनेक्ट करता है, तो उसको हम लोग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। इन इंडिया द टोटल स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर्स ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर 470,000 किलोमीटर्स। ओके, 470,000 किलोमीटर जितना उसका वर्ग क्षेत्र है पूरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड्स। सो व्हाट डू मीन बाय अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स? सो द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स सर्व्स द रूरल एरिया एंड लिंक टू द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और स्टेट हाईवेज। मतलब कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं वो रूरल एरिया के अंदर बनाए जाते हैं, जिसका काम क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स से कनेक्ट करना अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का काम क्या होता है, जो छोटे छोटे रूरल एरिया है उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करना, या फिर तो डायरेक्टली स्टेट हाईवे से कनेक्ट करना, वो उसका काम रहता है। विलेज रोड्स कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर और टू द नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी लाइक इट MDR और SH। MDR मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड SH मतलब स्टेट हाईवे। एंड जो विलेज रोड्स होते हैं, तो विलेज रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर और टू द नियरेस्ट रोड ऑफ द हायर कैटेगरी लाइक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवे। जो विलेज रोड होता है उसका काम होता है कि जो मेन ग्रुप ऑफ विलेजेस है, मेन गांव है, उन लोगों को, उन गांव को कनेक्ट करने का, या फिर एक गांव को जो उसके नज़दीक का जो हायर कैटेगरी वाला जो रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर स्टेट हाईवे, उससे कनेक्ट करने का काम करते हैं जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। नाउ इंडिया हैज़ 26,50,000 किलोमीटर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड प्लस विलेज रोड्स। आउट ऑफ द टोटल 33,15,231 किलोमीटर्स ऑफ ओल्ड टाइप ऑफ रोड्स। मतलब कि जो टोटल हमारे 33,15,231 किलोमीटर का रोड का एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें से 26,000 तो सिर्फ और सिर्फ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स का ही कॉम्बिनेशन है, बाकी का जो रह गया वही सिर्फ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में डिवाइड होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे जो टाइप्स थे वो डिपेंडिंग ऑन वेदर, देन डिपेंडिंग ऑफ द कैरेज वे, डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट सरफेस, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड टनेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड फंक्शन। वेदर मतलब ऑल वेदर, फेयर वेदर। डिपेंडिंग टाइप्स की बात करें तो पेव रोड, अनपेव रोड्स, देन पेमेंट सरफेस की बात करें तो सरफेस रोड, अनसरफेस रोड, आपको डायरेक्ट नाउ में ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन वॉल्यूम की बात करें तो लो, मीडियम और हाई। लोड के जो टन की वेट की बात करें तो क्लास वन और क्लास टू सीमेंट, और जो अगर टनेज के अंदर हो वैल्यू तो उसको क्लास ए और क्लास बी से डिनोट किया जाता है। बेस्ड ऑन लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, जो तीन टाइप हमने अभी बोले थे उसमें से हमने देख लिया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आप लोगों ने रोड्स के बारे में समझा कि कितना एरिया हमने कवर किया है इंडिया का, राइट। और थर्ड, आपको नया जानने मिला होगा कि हमारा जो एरिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे आता है रोडवे के ऊपर। और ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें, और सॉरी रोड वॉल्यूम की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो हमारा जो रोड का डेंसिटी है स्क्वायर किलोमीटर में, वो US, चाइना और ब्राज़ील से भी कहीं गुना ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तो बस यहाँ तक रखते हैं आज रोड के बारे में, आप लोगों को ब्रीफली मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, अनदर लेक्चर में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके GTU के एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी बार उसके अंदर से क्वेश्चन GTU के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रोड के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में,
ठीक है, या फिर वो डेफिनेशन पूछते व्हाट डू यू मीन बाय द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स एंड स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इन सभी की वो लोग GTU के एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर से आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प रहा होगा और समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।